आपको लगेगा फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट लगेगा, आपकी आईडी कार्ड लगेगा, ये दो वो डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद आपको जाना है लगेज डिपार्टमेंट में, वहाँ पे जाके अपने पेट को बुक कराना है। बुक कराने के बाद अब ये भाई साहब हैं, इनको देखो मतलब कॉकरोच को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे एक कॉकरोच है, इस साइड एक कॉकरोच है, और कॉकरोच को ढूंढ रहे हैं ताकि उसको मार पाएं या फिर उसके साथ खेल पाएं। ठीक है, बस इसलिए कि इनको कॉकरोच को मारना है और उसके साथ खेलना है। चलो ये बात रही इन भाई साहब की, ये तो कॉकरोच मारते रहेंगे और कॉकरोच को खाते भी रहेंगे। तो आज की वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है, आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जिसमें मैंने ये बताया कि हम अपने डॉग को फ्लाइट के थ्रू एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कैसे भेज सकते हैं। तो उसी वीडियो के नीचे काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा कि भैया मेरे को ये बताइए या फिर मेरे को ये बताइए कि हम अपने डॉग को या पैट को, मतलब चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो जो भी आपका पैट है, उसको हम ट्रेन से कैसे लेके जाएं। तो बाय ट्रेन आप लोग अपने पैट को भेज सकते हैं। उसके दो प्रोसेस होते हैं, मतलब दो तरीके होते हैं जो आप बाय ट्रेन अपने पैट को भेजना चाहें। तो मैं इस वीडियो के अंदर उन्हीं दो तरीकों के बारे में बात करूँगा कि कैसे आप अपने पैट को ट्रेन के थ्रू भेज सकते हैं। ट्रेन से पैट को भेजने के लिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस में सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे, सेम तरीके से आप अपने पैट को ट्रेन से भेज सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगने वाला है आपके पैट का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। आपका पैट जो है वो फुली वैक्सीनेटेड है या नहीं है, वो पहले आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो कि उसका फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट कहलाया जाएगा। तो दूसरा सर्टिफिकेट हुआ आपका, मोस्टली ये जो सर्टिफिकेट है ये फ्लाइट में इस्तेमाल होता है, ट्रेन में इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप बनाना चाहें तो बनवा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है उससे हो जाएगा। तो दूसरा सर्टिफिकेट जो है उसका नाम होता है फिट टू फ्लाइट सर्टिफिकेट, जो कि फ्लाइट के लिए चाहिए होता है। अगर आप फ्लाइट से भेजना चाहते हैं तो ये आई लिंक में जो मैंने वीडियो दिया उसको देखिए, वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरे जो डॉक्यूमेंट को हम स्किप कर देते हैं, अब तीसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका आईडी कार्ड, मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है, जैसे वोटर कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया या समथिंग समथिंग जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आप लोगों को। तो अगर ट्रेन से आप सफर कर रहे हैं तो ये दो डॉक्यूमेंट जो है, दो डॉक्यूमेंट आपको लगने ही लगने वाले हैं, तो इसको जरूर कैरी करें अपने साथ। तो एक मेन चीज का ख्याल रखें, जो आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसमें आपके पैट के नाम के साथ आपका नाम भी होना जरूरी है। अगर सपोज आपके पैट का नाम है रोकी तो आपका नाम अभिषेक मलिक उसके साथ जरूर मेंशन होना चाहिए, ताकि जब आप अपने पैट को गार्ड रूम में या फिर अपने साथ ट्रेवल करवा रहे होंगे तो अगर कोई टीटी वगैरह कोई चेक करने वाला आएगा तो आप लोग दिखा सको और अपनी आईडी से भी उसको प्रूफ करवा सको कि हाँ ये जो पैट है, कुत्ता बिल्ली चिड़िया जो भी है, ये मेरा है, हाँ, तो ये वहां से प्रूफ होगा। तो आप लोगों के ये दो डॉक्यूमेंट रेडी हो गए, अब हम बात कर लेते हैं कि अब आगे करना क्या है। तो आगे के जो दो तरीके हैं अपने पैट को भेजने के, उन दो तरीकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका गौर से देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका है, आप ट्रेन से जब ट्रेवल कर रहे होंगे, जैसे सपोज आपने कोई स्लीपर क्लास बुक किया है जिसमें बाकी पैसेंजर भी होंगे, तो जैसे नॉन एसी स्लीपर क्लास हो गया या थर्ड एसी स्लीपर क्लास हो गया, वो आपने बुक किया अपने लिए जाने के लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि आपका पैट जो है आपके साथ नहीं जाएगा, समझ गए। जैसे थर्ड एसी बुक किया है या फिर नॉर्मल नॉन एसी वाला आपने कोई कोच बुक किया है, तो उसमें आपका पैट जो है आपके साथ नहीं जाएगा। उसमें आपका पैट जाएगा उस ट्रेन से, लेकिन गार्ड रूम जो होता है ना, सबसे आखिरी वाला डब्बा जिसमें गार्ड बैठा होता है, जो पीछे से मतलब ग्रीन लाइट रेड लाइट दिखाता रहता है, पूरा सब कुछ देखता है, ग्रीन झंडी वगैरह दिखाता रहता है, तो उसमें क्या होता है ना, केजेस बने होते हैं, बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं जो पैट को साथ में ले जाने के लिए बनाए गए होते हैं। तो उन बॉक्सेस में डाल के आपके पैट को जाया जाता है। तो वो कैसे जाया जाएगा, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा एक चीज़, अगर आपका जो पैट है वो किसी ब्रीड का है तो आप उसको उस डब्बे में मत भेजो, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि वो डब्बे जो होते हैं ना वो बहुत गंदे होते हैं, बहुत गंदे, इतनी बदबू आ रही होती है। क्योंकि क्या है, जब मैं अपने रोकी को भेज रहा था यहाँ से दिल्ली के लिए अपने घर के लिए, तो मैं ट्रेन वाले के पास ही गया था, मतलब ट्रेन वाला सिस्टम देखने के लिए गया था, तो ट्रेन भी थी वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने जाके देखा था वो डब्बे, या गंदे डब्बे थे, बहुत ही गंदे, कोई उसमें बकरी को लेके जाता है, कोई अपने छोटे मतलब काऊ का बच्चा होता है ना उसको भी लेके चले जाते हैं उसके अंदर। तो मतलब मुझे मामला अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप अपने दिल के टुकड़े को, मतलब अपने पैट को बिल्कुल भी गार्ड रूम में मत भेजो,
लेकिन अगर आप फिर भी भेजना चाहते हैं, मजबूरी है तो आप भेज सकते हैं, लेकिन उसमें हालत जो है बहुत ख़राब हो जाएगी। और एक चीज़ और बताता हूँ, गर्मी वाले दिन पे मत भेज देना। गर्मी वाले दिन पे जो है इतना गर्मी लगेगा ना वहाँ पे उसको, बेचारे को, पेट को इतना गर्मी लगेगा, वो खुद परेशान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, उसको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। आप लोग तो रख दोगे, पानी भी रख दोगे और खाने के लिए चीज़ें भी रख दोगे, लेकिन वो गर्मी से इतना तड़पेगा, इतना प्रॉब्लम में आएगा कि वो उस चीज़ को खाएगा नहीं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि गार्ड रूम वाला सिस्टम मत अपनाओ। फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ गार्ड रूम में क्या करना है। अगर गार्ड रूम में आपको अपने पेट को भेजना है तो आपको सबसे पहले अपने पेट को बुक करना पड़ेगा। तो बुक कहाँ होगा? वो लगेज डिपार्टमेंट में जाके बुक होगा, जहाँ पे लगेज जो है बुक होता है। तो हर स्टेशन पे होता है, लगेज डिपार्टमेंट में आप जाओ, वहाँ पे आप उसको एज ए लगेज के रूप में बुक कराओ। एक चार्ज होता है, मिनिमम चार्ज होता है, तो उस हिसाब से वो चार्ज कर लेंगे और आपके पेट को जो है बुक कर देंगे। तो लगेज डिपार्टमेंट से आपको एक पेपर मिलेगा, मतलब रिसिप्ट कहते हैं उसको, कि आपका ये पेट जो है लगेज में बुक हो चुका है। तो वो रिसिप्ट लेके आप जाएंगे पीछे गार्ड रूम में, ठीक है, गार्ड के पास जाएंगे और गार्ड को वो रिसिप्ट और अपने पेट को दिखाएंगे। फिर उसके बाद गार्ड क्या करेगा, जो गार्ड रूम के अंदर केज बॉक्सेस बने हुए हैं, जिस पिंजरे बने हुए हैं पेट को रखने के लिए, उसमें से एक पिंजरा जो है आपको अलॉट कर देगा, आपको दे देगा अपने पेट को ले जाने के लिए। तो आप जब उस पिंजरे के अंदर अपने पेट को रख देंगे तो कोशिश कीजिए कि आप उसके लिए भरपूर मात्रा में वहां पे पानी रख दें, कोशिश कीजिए भरपूर मात्रा में वहां खाना रख दें, क्योंकि वो पिंजरे का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बस इतना बड़ा साइज होता है कि आपका पेट जो है घूम सके मतलब मुड़ सके, अगर वो मुड़ना चाहता है तो मुड़ सके और अच्छे से वहां पे बैठ सके, लेकिन वो चल नहीं पाएगा, वहां घूम नहीं पाएगा, ठीक है, मतलब अगर टहलना है घूमना है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक मामूली छोटा सा पिंजरा टाइप वो होता है बॉक्स, तो उसके अंदर आपका पेट जाता है वो छोटे से बॉक्स के अंदर। तो इतना जरूर ध्यान रखें कि पूरी जो आपकी जर्नी रहेगी उसमें आप बार बार गार्ड रूम में तो जा नहीं पाएंगे कि हर स्टेशन पे जा जाके आप चेक करें, आप खुद भी थक जाओगे। तो इतनी भरपूर मात्रा में वहाँ पे पानी और खाना रख दें कि आपका जो पेट है वो बिना किसी प्रॉब्लम से वहाँ पहुँच जाए। और कोशिश जरूर ये करना कि आप गर्मी वाले सीजन पे मत जाना, नहीं तो पेट का जो है हालत ख़राब हो जाएगा। जो आपका पेट है, मतलब पता नहीं लोकेशन पे, डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो वाला रूम। तो पहला तरीका ये हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की, कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका होता है कि आप अपने पेट को अपने साथ बैठा के लेके जाओ। हाँ, ट्रेन के अंदर आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने पेट को जो है अपने साथ बैठा के ले जा सकते हो, लेकिन आप स्लीपर क्लास मतलब कि नॉन एसी वाले में नहीं लेके जा सकते, और आप थर्ड एसी में भी नहीं ले जा सकते, और आप सेकेंड एसी में भी नहीं ले जा सकते। तो कैसे ले जाओगे? आपको ले जाना पड़ेगा फर्स्ट एसी में, मतलब आपको फर्स्ट क्लास एसी का टिकट बुक करना पड़ेगा और तभी आप उसको अपने साथ लेके जा सकते हो। इसका जो प्रोसेस है, इसका प्रोसेस भी सेम रहेगा, आपको अपने पेट को लगेज डिपार्टमेंट में जाके बुक करवाना पड़ेगा एज ए लगेज के रूप में, और लगेज डिपार्टमेंट से जो स्लिप मिलेगा आप उस स्लिप के साथ अपने पेट को अपने कोच में लेके जा सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे कंडीशंस अप्लाई हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, कि अगर आप अपने पेट के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर इस कंप्लीट जर्नी में आपके फेलो पैसेंजर मतलब आपके साथ वाले जो यात्री होंगे उनको आपके पेट ने किसी तरीके से प्रॉब्लम दी, मतलब कि या तो उनको प्रॉब्लम फेस हुआ कि पेट ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ज़्यादा भौंक रहा है, या इधर उधर टॉयलेट कर रहा है, पोटी कर रहा है, जो समथिंग कुछ भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आपका पेट फिर चले जाएगा गार्ड रूम में, मतलब टीटी आएगा, टीटी आपके पेट को शिफ्ट कर देगा गार्ड रूम में। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करें? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दो टिकटें बुक करनी पड़ेंगी, या तो अगर आप दो लोग जा रहे हैं तब तो वेल एंड गुड है, ठीक है, अगर आप दो लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे हो तो एक्स्ट्रा टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो तो आपको दो टिकट फर्स्ट क्लास की बुक करनी पड़ेगी। और जब आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, सपोज़ आप मान लीजिए आज है 22 तारीख और आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है 24 को, तो अपनी जर्नी स्टार्ट होने से एक दिन पहले, मतलब जब सीट मिलता है उससे एक दिन पहले, क्योंकि फर्स्ट क्लास का क्या रहता है, आपको एकदम से सीट नहीं मिलेगा, सीट नंबर नहीं मिलेगा, टिकट बुक हो जाएगा लेकिन सीट नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है कोचेस रहते हैं, जिसको कूपे कूपे बोलते हैं हम लोग। एक कूपे जो होता है दो सीट का रहता है, मतलब एक कैबिन होता है, कैबिन के अंदर सिर्फ दो लोग रहेंगे, और दूसरा कैबिन जो होता है उसमें चार लोग रहेंगे, तो कैबिन बने होते हैं फर्स्ट क्लास के अंदर। या तो एक साथ चार लोग ट्रैवल करेंगे एक कैबिन के अंदर, या फिर एक साथ दो लोग ट्रैवल करेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको कूपे मतलब कैबिन मिले दो लोगों वाला। अब वो सबको तो नहीं मिलता है, तो वो कूपे आपको कैसे मिलेगा, वो दो लोगों वाला कैबिन आपको कैसे मिलेगा, वो भी मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। आपने अपना टिकट तो बुक कर लिया,
तो जर्नी के शुरू होने से 78 आवर्स पहले आपको जाना पड़ेगा सीआरएस ऑफिस में। सीआरएस का फुल फॉर्म रहता है चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर, ठीक है। इसके ऑफिस में जाना पड़ेगा और आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन इनको सबमिट करनी पड़ेगी जिसमें आपका पूरा डिटेल रहेगा, आपके टिकट का नंबर, पीएनआर वगैरह रहेगा। और आपको वहाँ पे इनको बताना पड़ेगा कि आपके साथ जो है एक लाइफ पैट जो है आपका ट्रैवल करने वाला है, तो आपको दो कूपे वाला, मतलब दो लोग जिस कैबिन में रहते हैं वो अलॉट कर दें। तो ये एप्लीकेशन आपको वहाँ पे सबमिट करानी है, उसमें रिक्वेस्ट करनी है, थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें लिख दीजिए अपने पेट के बारे में कि ये इतना प्यारा है, ऐसा है, वैसा है, काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छे नेचर का है, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, हमारी जर्नी इतनी बड़ी है तो काइंडली हमें ये वाला कैबिन जो है अलॉट कर दीजिए ताकि हम अच्छे से, मतलब कि ना किसी प्रॉब्लम से अपनी जर्नी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँ। अगर आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको वो दो लोगों वाला जो कैबिन है वो ईजिली मिल जाएगा। लेकिन अगर उस दिन कोई, मतलब क्या रहता है ना, ये दो लोगों वाला जो कैबिन रहता है ना किसी स्पेशल पर्सन के लिए ही होता है, या तो रेलवे का कोई अधिकारी हो या फिर कोई और स्पेशल पर्सन हो, उन लोगों के लिए ही रहता है। तो अगर आपका लक छला और आप लोगों को ये वाला कैबिन मिल गया तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी और आप अपनी अपने साथ ही अपने पेट को ईजिली लेके जा पाएंगे। लेकिन अगर नहीं मिला तब क्या होगा, आपने टिकट तो ऑलरेडी बुक किया हुआ है लेकिन तब आपको क्या है कि चार लोगों के साथ जाना पड़ेगा और फिर वो चार लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप लोग बुरा मत मानिए, मतलब अगर मेरा पैट जो है किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये वो, मतलब पैट तो ऑब्वियस सी बात है एक्साइटमेंट में ज़्यादा भौंक भी सकता है या फिर बाहर खिड़की से देखेगा तो उसको इतना अच्छा लगेगा कि वो भौंकेगा, परेशान करेगा, इधर उधर खेलेगा भी। तो उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हाँ, मतलब बुरा मत मानिए, बस थोड़ी सी दूर का हमारा डेस्टिनेशन है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अगर वो लोग अच्छे हुए तो डेफिनेटली वो एडजस्ट कर लेंगे। तो आई होप आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे, जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर मेरे से कहीं पर कुछ रह गया है या मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इतना याद रखिए, मैं जरूर जवाब दूंगा क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में अपने आने वाले हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। आपको अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा ही दूंगा। वीडियो खत्म होने से पहले आप लोगों को मैं एक बार फिर बता देता हूँ, आपको लगेगा फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट लगेगा, आपकी आईडी कार्ड लगेगा, ये दो डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद आपको जाना है लगेज डिपार्टमेंट में, वहाँ पे जाके अपने पेट को बुक कराना है। बुक कराने के बाद फिर उसके बाद आप लोगों को देखना है कि आप उसको गार्ड के साथ भेजते हैं या फिर आपने फर्स्ट एसी का टिकट किया हुआ है उसको फर्स्ट एसी में अपने साथ बैठा के लेके जाएंगे। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें जो थे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके किसी काम का ये वीडियो आया है तो इसको दीजिए ये थम्स अप, मतलब लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम व्लॉग्स भी बनाते हैं, हम डेली फैमिली रिलेटेड व्लॉग्स भी बनाते हैं और अपना डेली लाइफ का व्लॉग भी बनाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे को काफ़ी खुशी होगी कि आपने मेरे को सब्सक्राइब किया है। और कमेंट सेक्शन में भी आप बोल सकते हैं कि आपने मेरे को सब्सक्राइब किया, तो उससे काफ़ी अच्छा लगेगा मेरे को, आपसे बात करने को भी मिलेगा। तो अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, जो आपको मिल जाएगी 2 या 3 दिन बाद। तब तक के लिए टिल देन।